नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और इस समय हम हैं लोकमान तिलक टर्मिनस पे, मुंबई के कुर्ला टर्मिनस जिसे कहा जाता है। हम इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं लोकमान तिलक टर्मिनस पर है। आज हमारी जर्नी यहाँ से शुरुआत होने वाली है। रात का समय है, हमारी ट्रेन है 12167 जो कि चलती है लोकमान तिलक टर्मिनस से 10:45 पर और हम पहुँचेंगे नेक्स्ट डे मतलब तीसरे दिन 1:55 पर बनारस। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं लोकमान तिलक टर्मिनस से मुंबई के बनारस तक की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी रिसेंट में अनाउंस भी हुआ है कि ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहले ICF कोच के साथ चलती थी, अब ये LHB कोच के साथ चलने लगी है। तो आइए पहला ब्लॉग करते हैं LHB कोच के साथ में, देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है, क्या इसमें खास स्पेशलिटी दिया हुआ है, इसमें पेंट्री कार अभी कैसा है, LHB कोच में AC के कोचेस कैसे हैं। तो आइए हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, अपनी ट्रेन आने वाली है। तो अपनी टर्म 1 पे लगी हुई है, अनाउंस हो रहा है। सो अपनी ट्रेन लग चुकी है, आज अपनी कोच है B2 में सीट नंबर 15-16 और आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी तकिया वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो अपनी ट्रेन को टाइम है, 2 पानी का बोतल हमने अभी फ़िलहाल ले लिया है और बिस्किट्स ले लिए हैं। तो अपनी कोच तो थोड़ा पुरानी लग रही है, इसमें एक अटैच किया हुआ है और नई कोच तो बगल में है। फिर AC वेटिंग हॉल आप देख रहे हैं, फूड स्टॉल के साथ है और ये आपको मिल जाएगा 1 प्लेटफॉर्म पे। अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन 1 प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, 12167 बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि LHB कोच के साथ हो गया। पर अपना जो B2 कोच है वो पुराना कोच लगा हुआ है, मतलब LHB है बट पुराना LHB लगा हुआ है। बाकी आगे आप देखते रहे नया लगा हुआ है, नया कोच देख लेते किस तरह का इंटीरियर दिया हुआ है। नया कोच ठीक है, क्लीननेस वगैरह है, बाकी बाथरूम कंडीशन में आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का वॉशरूम कंडीशन है और डोर जो है जाम है, उसका जो खीला है वो खराब हो गया। तो वॉशरूम कंडीशन ये नए वाले जो कोच है LHB के अटैच किए गए उसका है, देख पा रहे हैं बेसिन वगैरह है, टैप वगैरह है, पानी वगैरह आ रहा है, इसमें लिक्विड जेल भरा हुआ है। फिलहाल ये कंडीशन थोड़ा नया लग रहा है, यहाँ पर फ्लश फ्लश वगैरह है, जेट स्प्रे वगैरह लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह का अंदर का वॉशरूम का कंडीशन है, मिरर वगैरह भी क्लीन है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस वाया प्रयागराज। तो ये कोच है 2022 का मैन्युफैक्चर, आप देख पा रहे हैं नंबर से समझ जाएंगे 2022। ये B3 कोच है और जो हमको मिली है वो कोच है 2016 की कोच। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कोच हमको मिली है B2 में, एक कोच पुरानी अटैच किया हुआ है। बाकी दोनों तरफ देख पा रहे होंगे दोनों तरफ जो न्यू कोच लगी हुई है LHB है, पर ये वाली कोच पुरानी है B2। तो निर्धारित समय से 5 की देरी से 10:50 पर हम निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लोकमान तिलक से। अभी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है, अभी अटेंडेंट से बात हुई तो उसने बताया कि जो B2 कोच है पुराना इसलिए लगाया हुआ है कि वो जो नया वाला कोच जो उसमें लगा हुआ था वो थोड़ा लीक कर रहा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और ट्रेन को यहाँ पर भी लेट लगाया गया ताकि वो कोच को चेंज किया गया और कोच चेंज करने के बाद में यहाँ पर ट्रेन को लाया गया, इस वजह से चक्कर वगैरह देने में भी लेट देरी हुआ था। इसके लिए अभी भी स्टॉक देख रहे हैं यहाँ रखा हुआ है, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहा है क्योंकि वो ये कोच जो है इसको चेंज करवाया गया था। बाइक वगैरह आप पार्सल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ रखी हुई है, इन्हें ट्रेनों में चढ़ा दिया जाता है पार्सल कोच के, यहाँ पर यहाँ पार्सल का कोच लगता है
लगेज, तो यहाँ से बाहर आप बुकिंग भी करा सकते हैं बाइक, और यहाँ पर आप सामान बॉक्स वगैरह बुकिंग करा के लोकमान तिरक से इजीली उसे यहाँ से आप देख रहे हैं पार्सल का सब बुकिंग हो रही है, पैकिंग वगैरह हो रहा है। और ये लोकमान तिरक से हम निकल चुके हैं, पार्सल वैन खड़ी हुई है, पार्सल की पूरी कोच है, और यहाँ WDP 4D लोकोमोटिव कल्याण शेड का है, और उसके पीछे भी WDP 4D है, वो भी कल्याण शेड का है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है कल्याण स्टेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेस आ चुकी है, अभी ये ट्रेन डिपार्चर करी है, तो ये लखनऊ एक्सप्रेस को लगाया जाएगा। आगे भेज दिया हमको, डिब्बा ही नहीं, हमारा डिब्बा ही कट चालू लग गया हो जगह, हम दौड़ रहे हैं हम लोग भुसावल से, थाना से भुसावल तक दौड़े, नहीं मिला टिकट, तो बाद में तो कोच ही नहीं लगा था, पहले ही बता दो। तो 11:36 पहुंच चुकी है कल्याण जंक्शन, कुछ पैसेंजर्स यहां से बोर्ड करेंगे और इसके बाद ट्रेन यहां से डिपार्चर करेगी, फिर हम मिलेंगे नासिक स्टेशन जो कि आएगा 2:00। तो लोकमान तिलक के बाद बॉम्बे का ये दूसरा हॉल्ट है, जो जहाँ से लोग बोर्ड करेंगे, मोस्टली LTT और कल्याण से लोग बोर्ड करते हैं। ट्रेन जाते हुए है पवन एक्सप्रेस जा रही है जो कि बॉम्बे की तरफ, 11:45 और हम डिपार्चर कर चुके हैं कल्याण के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो ट्रेन फिलहाल अभी 10 डिले चल रही है, ट्रेन को थाने में भी थोड़ी देर के लिए रुकाया गया था, सिग्नल होगा उस वजह से ट्रेन थाने में रुकी थी, और उसके बाद डायरेक्ट कल्याण में, इसका ऑफिशियल हॉल्ट कल्याण ही है, तो LTT के बाद डायरेक्ट कल्याण में रुकती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और हम डिपार्चर कर चुके हैं कल्याण स्टेशन। तो अभी नेक्स्ट हॉल्ट है 2:00 नासिक स्टेशन, तो उतनी रात में सभी सो चुके होंगे, तो आपसे मॉर्निंग में मुलाकात करते हैं। किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन पर, और स्टेशन कोड है KNW। ट्रेन का यहां पर 3 का हॉल्ट है, ट्रेन बिफोर आई है, 8 ही पर ट्रेन यहां पर आ गई थी, 8:17 का टाइमिंग था अराइवल का। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई है ट्रेन, और फूड्स वगैरह यहां पर वेंडर्स जो स्टॉल रहते हैं दुकान वगैरह वहीं पर आपको मिलेंगे, बाकी यहां और कुछ अवेलेबल दिख नहीं रहा है। फिलहाल गाड़ी में पेंट्री कार है तो उसकी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, खंडवा जंक्शन से डिपार्चर करेंगे फिर आपको डिपार्चर। मैंने अटेंडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि वो B2 कोच है, जब वो ट्रेन आई थी तो इसमें कुछ लीकेज था, उस वजह से इस कोच को यहाँ से डी अटैच किया गया और उसमें नया जो LHB कोच है दूसरे का लगाया गया, इसके वजह से ये जो B2 कोच है वो पुराना कोच है, क्योंकि B2 कोच 2016 का कोच है और जो बाकी सारे कोचेस है वो नए हैं 2022 के। तो मैंने पूछा रीज़न, तो उन्होंने वही रीज़न दिया कि इसमें कोच में कोई दिक्कत आ गई थी, लीकेज वगैरह था, तो उसे यहाँ से चेंज किया गया, इस वजह से वहाँ पर इनको सामान वगैरह रखने में भी दिक्कत हुई, 70 जो रखना था उस वजह से उसमें थोड़ा सा देरी हो गई। फिलहाल अभी ट्रेन तो ऑन टाइम है, और वैसे वहाँ से हम लोग डिपार्चर किए थे तो 5 डिले थी, और रास्ते में 10 डिले थी, उससे ज़्यादा डिले नहीं हुई। खंडवा जंक्शन से डिपार्चर करने जा रहे हैं,
आपको डिपार्चर दिख 8:22। सभी ने यहाँ जैकेट डाला हुआ है। फिलहाल मुंबई के कंपेयर किया जाए तो यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंड है और इस समय हम एमपी में है, खंडवा जंक्शन। अभी 730 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन पर। स्टेशन कोड है ET। ट्रेन यहां 10:40 पर आई है, अभी ऑन टाइम चल रही है। फिलहाल कोई ट्रेन डिले नहीं हुई और यहां खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इटारसी स्टेशन पर। यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे अंडा बिरयानी वगैरह है। यहां पर 10 मिनट का हॉल्ट है, यहां से फिर डिपार्चर करेंगे। अभी यहां पर पानी वगैरह रिफिल किया जाएगा ट्रेनों में। मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। अपनी ट्रेन लगी हुई है जहाँ पर अंडा बिरयानी वगैरह मिल जाएगा आपको। और दे केला 50 का 12 कैसे दे? 50 का 1 दर्जन केला कितने दे आपको? जबलपुर की ओर जाने वाली पालसन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। आने 730 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्चर कर चुके हैं इटारसी जंक्शन के। बज के 55 मिनट और हम डिपार्चर कर चुके हैं इटारसी जंक्शन से। टोटल 730 किलोमीटर सफ़र अब तक हमने तय कर लिया। अभी नेक्स्ट हॉल्ट है जबलपुर, देखिए 2:18 पे आएगा। जबलपुर स्टेशन, हाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। तो 975 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ चुके हैं जबलपुर स्टेशन। स्टेशन कोड है JBP। यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है और थोड़ी देर में फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटी, सुविधा, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
और इस समय जो है ट्रेन जो ऑन टाइम ही चल रही है, जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी है। यहाँ पर अभी पानी रिफिल किया जा रहा है। कल हो रहे हैं 2:23 और यहाँ से 2:28 पर डिपार्चर है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, यहाँ पर देख रहे हैं पानी को रिफिल किया जा रहा है 5 प्लेटफॉर्म पर। तो अगले 10 में हम यहाँ से निकल जाएंगे। बात की जाए जबलपुर स्टेशन की, तो 1952 में जब रेलवे के डिवीज़न का गठन हुआ था, तो उस समय यह जबलपुर स्टेशन हेडक्वार्टर हुआ करता था सभी रेलवे डिवीजन्स का। इसमें टोटल 107 रेलवे स्टेशन इसके अंडर में आया करते थे। टोटल 6 प्लेटफॉर्म हैं। फिलहाल अब ट्रेन 5 प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। तो 2:36 और हम डिपार्चर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जबलपुर के, और ऑलमोस्ट 975 का सफ़र हमने तय कर लिया है। अब हम अगले पड़ाव की ओर चल रहे हैं, जो अगला स्टॉप है कटनी जंक्शन है। हल्की हल्की धूप है पर हवाएं जो हैं सर्द है, अभी ठंड हवाएं भी अभी भी हैं। जबलपुर December 25 के पहले तक कुछ इस कलर में चला करती थी ICF कोच के साथ, बट इस समय उसे चेंज कर दिया गया है। अभी वो LHB के साथ चलती है जो कि इस कलर में आती है। हम पहुंच चुके हैं KTE, हम पहुंच चुके हैं कटनी जंक्शन पर। 1066 का सफ़र तय हो चुका है। फिलहाल हम कटनी स्टेशन पर 17 डिले चल रही है ट्रेन, थोड़ा लेट पहुंची है। नंबर 2 पर लगी हुई है, 5 का हॉल्ट है, थोड़ी देर में यहां से डिपार्चर के। 4:13 हो चुके हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं कटनी जंक्शन को। मिनट लेट चल रही है ट्रेन फिलहाल तो। पर अब खाने की फैसिलिटी है, फूड स्टॉल है, IRCTC ट्रैक्स है, खाने के लिए कई सारे ऑप्शंस है अवेलेबल हो जाएंगे। तो अमदरा स्टेशन स्किप का वेटिंग एरिया है। मौसम हल्का हल्का ठंडा होने लगा है।
4 मिनट और हम सतना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर कर चुके हैं। तो 9:35 और हम पहुंच चुके प्रयागराज छावनी जंक्शन पर और यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी लगी हुई है और फिलहाल यहां पर थोड़ी देर में अभी गाड़ी यहां से निकल जाएगी और हमारा सफ़र यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।